गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बबल सॉर्ट। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम ये टॉपिक करने वाले हैं। सॉर्टिंग का एक्चुअल मीनिंग होता है या तो डेटा को मुझे अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, या फिर हम डेटा को एक्सचेंज सेट करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो ये कंसेप्ट रहता है सॉर्टिंग का। तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम मल्टीपल टाइप की सॉर्टिंग्स करेंगे। एक बार मैं ब्रीफ कर देती हूँ। बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सेलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट। हम ये 6 टाइप की सॉर्टिंग करेंगे कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बबल सॉर्ट से। बबल सॉर्ट का प्रोसीजर क्या रहता है स्टूडेंट, कि अगर मेरे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं डेटाबेस के अंदर, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ पासिस रहेंगे वो रहेंगे n माइनस 1। अगर n एलिमेंट्स हैं तो n माइनस 1 पासिस रहेंगे। और अगर मैं हर एक पास की बात करूं, ith पास की हम कोई बात करते हैं, फर्स्ट पास हो गया, सेकंड पास है, थर्ड पास है, तो इसके अंदर जो कंपैरिजंस रहेंगे वो n माइनस i कंपैरिजंस रहेंगे। तो स्टूडेंट यहां से बहुत इजीली क्लियर हो रहा है कि मुझे दो लूप्स तो लगाने पड़ेंगे। एक तो हम टोटल पास के लिए लगाएंगे कि अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो n माइनस 1 पासिस रहेंगे, और ith पास के लिए n माइनस 1 कंपैरिजन। सो फर्स्ट लूप फॉर नंबर ऑफ पासिस एंड सेकंड लूप फॉर नंबर ऑफ कंपैरिजन पर पास। तो ये हमारे पास बबल सॉर्ट का प्रोसीजर था। एंड ऑलमोस्ट सभी सॉर्टिंग में यही प्रोसीजर जो है वो फॉलो रहेगा। अब हमने एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं इसको। मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया, इसमें मैंने 5 एलिमेंट्स लिए, तो n की वैल्यू हमारे पास 5 हो जाएगी। पास 1 की बात करूँ तो यहाँ पर कंपैरिजन होने चाहिए n माइनस 1, मीन्स टोटल 4 कंपैरिजन्स होने चाहिए अगर मैं पास 1 की बात करती हूँ, बिकॉज n की वैल्यू 5 है तो एक लेस अपने पास कंपैरिजन होगा। फर्स्ट कंपैरिजन मैंने किया यहाँ पर 14 लेस देन 28, तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, कोई चेंज करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट करते हैं 28 लेस देन 10, अब ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स हो जाती है, तो इन दोनों को स्वैप कर दो। 14 एज इट इज रहेगा, 28 और 10 को हमने स्वैप कर दिया, रेस्ट ऑल एलिमेंट्स विल बी सेम। नेक्स्ट थर्ड पास पे चले हम, अब कंपैरिजन होगा थर्ड 28 लेस देन 26, कंडीशन अगेन फॉल्स है, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। 14, 10, 26, 28 एंड 12। फोर्थ कंपैरिजन होगा 28 लेस देन 12, कंडीशन अगेन क्या हो जाएगी फॉल्स, इन दोनों को हम स्वैप कर देंगे। 10, 26, 12 एंड 28। तो उसके बाद अब 28 का आगे कोई कंपैरिजन नहीं बचता। तो स्टूडेंट इसके अंदर हर एक पास के अंदर, जैसे अब फर्स्ट पास कंप्लीट हुआ अपना, तो फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। अब हम इन चार एलिमेंट का कंपैरिजन करेंगे, तो फर्स्ट पास में टोटल कंपैरिजन कितने हुए, 4 हुए। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड पास की। सेकेंड पास के अगर मैं कंपैरिजन करूं तो n माइनस 2, इतने कंपैरिजन रहेंगे, तो जो ये आउटपुट थी अब वो यहां इनपुट लेकर चलेंगे हम, ये जो आउटपुट थी यहां पर एज अ इनपुट यूज की जाएगी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर 14 लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स, इंटरचेंज होगा 10, 14, 26, 12 एंड 28। उसके बाद 14 लेस देन 26, सेकेंड कंपैरिजन ट्रू रहा, कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड में 26 लेस देन 12, कंडीशन अगेन
ट्रू आ रही है, सॉरी फॉल्स आ रही है, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ पर अपने पास हुआ 10, 14, 12, 26 एंड 28। तो ये अपने पास फर्स्ट लार्जेस्ट था, ये हमारे पास आ गया सेकंड लार्जेस्ट। अब थ्री कंपैरिजंस एन माइनस टू था, तो एन की वैल्यू 5 है, 5 माइनस टू थ्री कंपैरिजंस होने थे, तो ये थ्री कंपैरिजंस रहे। अब हम बात करते हैं पास थ्री की। पास थर्ड की जब हम बात करते हैं तो एन माइनस थ्री, इतने हमारे पास कंपैरिजंस रहेंगे, मीन्स टोटल टू कंपैरिजंस होंगे। तो जो ये आउटपुट थी, ये यहाँ इनपुट यूज करनी है मुझे 10, 14, 12, 26 एंड 28। करते हैं फर्स्ट 10 लेस देन 14, कंडीशन ट्रू है। सेकंड पे चलते हैं 14 लेस देन 12, कंडीशन फॉल्स, दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। 10, 14, 12, 26, 28, सॉरी इंटरचेंज करना था तो 12 यहाँ आ जाएगा, 14 यहाँ। तो दो एलिमेंट मैं ऑलरेडी सेट कर चुकी थी, अब थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट अपना यहाँ पर आता है। दो कंपैरिजंस होने थे तो दो कंपैरिजंस हुए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पास की, फोर्थ पास। तो n माइनस फोर, इतने कंपैरिजंस जाएंगे, मीन्स ओनली वन कंपैरिजन। यहाँ की आउटपुट, यहाँ इनपुट रहेगी 10, 12, 14, 26 एंड 28। तीन एलिमेंट्स ऑलरेडी सॉर्ट हो चुके हैं, वैसे तो स्टूडेंट लिस्ट सॉर्ट हो चुकी है, बट मैं कंपैरिजन करके देखना होगा। इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, 10 लेस देन 12, तो ये कंडीशन ऑलरेडी ट्रू है, तो कोई चेंज करने की नीड नहीं है। दैट मीन्स ये जो लिस्ट है ये हमारे पास कम्प्लीटली सॉर्टेड फॉर्मेट में। तो स्टूडेंट ये कंसेप्ट था बबल सॉर्ट का। उसके बाद हम यही जो कंसेप्ट है वो हम अभी एल्गोरिदम के थ्रू करेंगे। तो ये इसका एल्गोरिदम है बबल सॉर्ट का, प्लीज हैव अ लुक। दो लूप्स हमने लगाए, एक कंपैरिजन हमने किया, जैसे अब मैं बात करूँ रिपीट स्टेप टू एंड थ्री, ये दोनों स्टेप एग्जीक्यूट होंगे जब तक मेरी ये कंडीशन ट्रू है, आई की वैल्यू 1 टू एन माइनस 1 वाली। एंड ये स्टेप एग्जीक्यूट होगा, रिपीट होगा जब तक मेरी जे की कंडीशन ट्रू है, आई गोज टू एन माइनस 1 टू एन माइनस आई। तो जो स्टूडेंट ये वाला लूप है, ये हमारा चलेगा नंबर ऑफ पासिस के लिए, बिकॉज एन एलिमेंट के लिए हमें एन माइनस वन पासिस एग्जीक्यूट करने थे, तो नंबर ऑफ पासिस के लिए चलेगा। एंड जो ये वाला लूप चलेगा ये नंबर ऑफ कंपैरिजंस के लिए रहेगा। एंड ये कंसेप्ट जो है, जो मैंने इफ के अंदर कंप्लीटली लिखा हुआ है, ये कंसेप्ट होता है स्वैपिंग का, इंटरचेंजिंग ऑफ एलिमेंट्स का। जहां भी मुझे रिक्वायरमेंट है, कंडीशन ट्रू है, तो मुझे इंटरचेंज करना होगा, वहां मैं एक टेम्प वेरिएबल का यूज करूंगी। इस टेम्प वेरिएबल के थ्रू हम कंप्लीटली एलिमेंट्स का इंटरचेंज करेंगे। स्टार्ट करते हैं, कि मैंने वही सेम एग्जाम्पल लिया जो मैंने पहले एग्जाम्पल पहले वीडियो में कवर किया था, इसी एग्जाम्पल को हम इसी एल्गोरिदम के थ्रू करते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप में, रिपीट स्टेप टू एंड थ्री फॉर i इक्वल्स टू 1 टू n माइनस 1, n की वैल्यू अगेन 5 है, दैट मीन्स i का लूप चलेगा 1 टू n माइनस 1, मीन्स 1 टू 4, तो इनिशियली i की वैल्यू हो जाएगी 1। सेकेंड स्टेप पे आए, रिपीट स्टेप 3, कंपैरिजन वाला स्टेप चलेगा, फॉर j इक्वल्स टू 1 टू n माइनस i, j इज इक्वल टू 1 टू एन माइनस आई की वैल्यू कितनी है 1, दैट मीन्स जे का लूप चलेगा 1 टू 4, क्योंकि मैक्सिमम 5 एलिमेंट्स है तो 4 कंपैरिजंस होने थे फर्स्ट पास में, तो जे की इनिशियल वैल्यू हो जाएगी 1। थर्ड स्टेप पे आए हम, थर्ड स्टेप पे दे रखा है इफ ए ऑफ जे ग्रेटर है ए ऑफ जे प्लस 1 से, ए ऑफ जे, जे की वैल्यू है 1, ग्रेटर है जे प्लस 1, जे प्लस 1 मीन्स 2, ए ऑफ 1 पे एलिमेंट है 14,
और AO2 पे एलिमेंट है 28, कंडीशन होगी फोल्स, इफ पार्ट है, एल्स नहीं है, तो इफ चलेगा नहीं क्योंकि कंडीशन फोल्स है। लूप पे आए, जे की वैल्यू हो गई 2। ए ऑफ जे मीन्स 2 ग्रेटर है जे प्लस 1 मीन्स 3 से, तो ए ऑफ 2 पे एलिमेंट है 28 एंड ए ऑफ 3 पे एलिमेंट है 10, तो कंडीशन यहाँ पे रही ट्रू, 28 ग्रेटर है 10 से, इट मीन्स इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इफ पार्ट में क्या दे रखा है, टेम्प इक्वल्स टू ए ऑफ जे, दैट मीन्स ए ऑफ 2, ए ऑफ जे मीन्स ए ऑफ 2 में हमें इंसर्ट कराना है जे प्लस 1 थर्ड वाला एलिमेंट, एंड जे प्लस 1 में अगेन इंसर्ट करवाना होगा टेम्प। तो टेम्प में ए ऑफ 2 सेकेंड नंबर पे एलिमेंट है 28 एंड थर्ड पे एलिमेंट है 10, और टेम्प में अभी हमने डाला 28, तो स्टूडेंट हमें यही समझ में आ रहा है कि सेकेंड पोजीशन पे 10 आ जाएगा एंड थर्ड पोजीशन पे 28 आ जाएगा। मैं इनपुट को यहाँ लिख दे रही हूँ, 14, 28, 10, 26 एंड 12, ये मेरा पास नंबर फर्स्ट चल रहा है, तो फर्स्ट कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हुआ था, फर्स्ट कंपैरिजन हमारा निल था, सेकंड कंपैरिजन में हमारे पास सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट आया थर्ड 10 एंड थर्ड पे आया 28, बाकी सब एलिमेंट्स में एज इट इज नोट डाउन कर रही हूँ। अब हुई जे की वैल्यू 3, जे की वैल्यू जब 3 होती है स्टूडेंट्स, तो हमें कंपैरिजन किसका करना है, 3 वाले का फोर्थ से, तो ए ऑफ 3 ग्रेटर है ए ऑफ 3 प्लस 1 मीन्स 4 से, तो थर्ड पे एलिमेंट है 28 ग्रेटर देन, और फोर्थ पे एलिमेंट है 26, कंडीशन अगेन ट्रू होगी, अगेन ट्रू मीन्स वही स्वैपिंग होगी, तो करते हैं स्वैपिंग, टेम्प इक्वल्स टू ए ऑफ जे, जे की वैल्यू अभी लेटेस्ट कितनी चल रही है स्टूडेंट, हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट किया था 3, तो जे की वैल्यू है 3, ए ऑफ जे के अंदर हमें इंसर्ट करवाना है ए ऑफ जे प्लस 1 को, एंड ए ऑफ जे प्लस 1 इसके अंदर हमें इंसर्ट करवाना होगा टेम्प को, तो थर्ड पोजीशन पे एलिमेंट है 28 एंड फोर्थ पोजीशन पे है 26 एंड टेंथ में है 28, तो थर्ड कंपैरिजन में थर्ड पोजीशन पे एलिमेंट आया 26, थर्ड पोजीशन पे एलिमेंट आया 26 एंड फोर्थ पोजीशन पे एलिमेंट आ रहा है 28, रेस्ट एलिमेंट्स आर सेम। अब उसके बाद जे की वैल्यू हुई हमारी अगेन 4, तो एक और कंपैरिजन रहेगा, करते हैं, ए ऑफ 4 ग्रेटर है ए ऑफ 5 से, फोर्थ पे एलिमेंट है 28 एंड 5 पे एलिमेंट है 12, कंडीशन अगेन ट्रू है, अगेन ट्रू है तो हमें फिर से ये स्टेप फॉलो करने होंगे, तो करते हैं स्टूडेंट, टेम्प में मुझे डालना है ए ऑफ जे को, एंड ए ऑफ जे में हमें एलिमेंट डालना है ए ऑफ जे प्लस 1 को, एंड ए ऑफ जे प्लस 1 में हमें डालना है टेम्प को, तो ए ऑफ 4 पे एलिमेंट कौन सा है 28, 28 डाल दिया मैंने यहाँ पर, ए ऑफ 5 पे एलिमेंट अपने पास 12 है, 12 डाल दिया, और टेम्प में अभी मैंने वैल्यू डाली थी 28, तो फोर्थ पोजीशन पे आया 12 एंड फिफ्थ पे आया 28, तो ये मेरा फोर्थ पास हुआ, जिसमें फोर्थ पोजीशन पे हमें मिलेगा 12 एंड फिफ्थ पोजीशन पे आ जाएगा 28, अगेन जे की वैल्यू हो जाएगी 5, जे की वैल्यू 5 होगी स्टूडेंट, हमें कहाँ तक लूप चलाना था, 1 to 4, 5 होते ही लूप क्या हो जाएगा फुल्स, हम क्लोजेस्ट आउटर लूप पे चलेंगे, तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, दैट मीन्स इसके बाद हमारे पास स्टार्ट होगा पास सेकेंड। तो स्टूडेंट ये एल्गोरिदम का प्रोसेसिंग था बबल सॉर्ट का, कंप्लीट मैंने ये स्टेप करके दिखाया आपको, जिसमें फर्स्ट कंपैरिजन में कोई इंटरचेंज नहीं हुआ था बिकॉज कंडीशन फॉल्स आई थी, एंड सेकंड थर्ड एंड फोर्थ तीनों कंपैरिजन हमने यहाँ पर कवर अप किए, और ये उसके साथ अपने पास एल्गोरिदम का फर्स्ट पास मुझे रिसीव हुआ। तो स्टूडेंट ये बबल सॉर्ट का कंसेप्ट था, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सॉर्टिंग को एग्जीक्यूट करके देखेंगे।